गुड मॉर्निंग वेस्टिजन, मैं मनीष वत्स आपका फिर से स्वागत करता हूँ कृषि ज्ञान के 15th एपिसोड में। मुझे उम्मीद है आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, उसको समझा होगा, अपनी टीम के साथ उसको शेयर किया होगा। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी ग्रोथ फेज में, हम अभी आलू की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट फेज में हमने बात की थी ग्रोथ फेज में, जिसमें हमने बात की थी आपका ह्यूमिक गोल और 82 के बारे में। आप उस स्टेप को, लास्ट स्टेप को आप 15-20 दिन के गैप पे दो बार रिपीट कर सकते हैं, 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं अच्छे से फसल लेने के लिए, पैदावार लेने के लिए। आज हम बात करेंगे लास्ट स्टेप की, आलू की फसल में लास्ट स्टेप की, ये है आपका फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे या पोटैटो फॉर्मेशन के टाइम पे। इस समय होता क्या है, आलू की फसल में ज़मीन में आलू बनना शुरू हो जाता है, तो इस समय आप वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो मदद करेंगे आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में, आलू की पैदावार को बढ़ाने में। तो इस स्टेप पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट, जिनका नाम है सबसे पहले तो एग्री नैनोटेक। इसकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। नैनोटेक क्या करता है, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जब आपका आलू की फसल में आलू बनना शुरू हो जाता है। अगर आप नैनोटेक का इस्तेमाल करते हैं उस समय पे, तो उसमें रंग सही से आएगी, चमक सही से आएगा, साइज सही से आएगा, वेट सही से आएगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा एग्री गोल्ड, जिसकी डोज रहेगी 30 ग्राम 15 लीटर पानी। गोल्ड क्या करता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कि आपकी फसलों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुधारने में मदद करता है और उनको जो स्ट्रेस आ जाता है उससे, उस स्ट्रेस को रिमूव करने में, स्ट्रेस से निकालने में मदद करता है आपकी फसल में। तीसरा प्रोडक्ट रहेगा आपका एग्री 82, जिसकी डोज रहेगी आपका 5 से 10 ml 15 लीटर पानी में। 82 क्या करेगा, इन दोनों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, उनके फैलाव को, स्प्रेड को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, उनकी पावर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो आप इन तीनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे, आपका पोटैटो फॉर्मेशन के टाइम पे जब आलू बनना शुरू हो गया है ज़मीन में, तो ये तीनों प्रोडक्ट मदद करेंगे आपकी फसल को बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में, उसकी पैदावार को बढ़ाने में। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आएंगी और आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। ऐसी टिप्स के लिए आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। हम लोग फिर से हाजिर होंगे कुछ ऐसी टिप्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।